बालोद जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का गुरुवार को दूसरा दिन है। शहर के नए बस स्टैंड पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने बुधवार से अपनी हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर 20 दिसंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफी कुछ किया है। 2023 में सरकार के बजट में उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला महामंत्री माधुरी रत ने कहा कि हमने कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी अपनी जान जोखिम में लेकर काम किया, लेकिन हमें किसी भी तरह का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया गया। हमारी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी तो उन्होंने भी टालम टोल कर दिया था। इसके बाद जब कांग्रेस ने वादों के साथ सरकार बना ली तो 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने हमें केवल आश्वासन ही दिया है। वहीं जिला अध्यक्ष आयशा खान ने कहा कि हम अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिले में कुल 1523 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिले के बालोद, गुडर, देही और चिकलाकसा सेंटर से 469 आंगनबाड़ी की 900 कार्यकर्ताएं और सहकाएं धरने पर बैठी हुई हैं।